Hello friends, myself Syed Abdul Mannan. Today we will discuss about standard 7 science chapter number 13, motion and time. This is the second part of this chapter. In first part we will discuss about slow or fast. After this we will discuss about speed. अब जो हम discuss करने वाले हैं measurement of time. Time का measurement किस तरह से होगा. If you did not have a clock, you decide what time of the day इट इज़. मतलब हमारे पास क्लॉक ना हो तो हम किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कौन सा टाइम हुआ है. हैव यू एवर वंडर डेट हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेटली टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग द एट शैडो. मतलब जो हमारे एल्डर जो है मतलब ग्रैंड मदर है ग्रैंड फादर जो है किस तरह से वो गेस कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली. तो शैडो के बेस पर क्या कर रहे थे वो डिसाइड कर रहे थे. मतलब यहाँ पर इस टाइप का शैडो होगा तो अभी इतना टाइम अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट टाइम नहीं. हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर. मतलब वो किस तरह से एक मंथ कम्प्लीट हुआ इस तरह से एक ईयर कम्प्लीट हुआ किस तरह से वो डिसाइड कर रहे थे वो हमें दिखा हुआ. अवर एंसेस्टर नोटिस दैट द मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डिफाइनेट इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल्स उन्होंने देखा जो हमारे एंशेंट वाले जो लोग जो थे उन्होंने देखा कुछ जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कुछ दिनों के बाद वो रिपीट हो रही है. मतलब आफ्टर वन मंथ आफ्टर वन ईयर ठीक है वो रिपीट हो रही थी. उसके अकॉर्डिंग टू क्या वो कर रहे थे डिसाइड कर रहे थे कि भाई इतना टाइम हुआ है ये डे हुआ है. आपको एग्जांपल्स दिए हुए दे फाउंड द सनराइज एवरी डे इन मॉर्निंग द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट वॉज इज कॉल्ड अ डे. मतलब सनराइज होना और सेकंड डे सनराइज होगा तो वो जो राइज होने का बीच में का जो टाइम जो हुआ वो लोग क्या डिसाइड कर रहे थे वन डे हो रहा है. सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर फ्रॉम द वन न्यू मून टू नेक्स्ट. मतलब एक मंथ मेजरमेंट करने के लिए वन न्यू मून. न्यू मून मतलब हमें पता है ना मून जो है आफ्टर स्लोली स्लोली कटिंग होगा फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको दिखाई नहीं देगा वापस वो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि मून जो है हमारे अर्थ के आजू बाजू क्या कर रहा है वो रोटेट कर रहा है. तो इसलिए तो वन मून मतलब पूरा जो आपको एक मंथ के बाद आपको वापस आपको सर्कल फॉर्म में दिखाई देगा तो वो इतने बीच में का जो टाइम हो क्या डिसाइड करते हैं भाई एक मंथ हुआ. सिमिलरली अ ईयर वॉज फिक्स एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन ऑफ द सन. मतलब जो सन जो है पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो वो क्या डिसाइड करते वन ईयर हुआ. ऑफन वी नीड टू मेजर द इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन द डे. मतलब ये तो हमने बात की वन डे की बात की वन मंथ की बात की वन ईयर की पर जैसे शॉर्टर जो टाइम है किस तरह से हम डिसाइड करेंगे. जैसे अभी 11 o'clock हुआ है 12 o'clock हुआ है 12:03 हुआ वो किस तरह से करेंगे तो उसके लिए हमें डिवाइस चाहिए. क्लॉक और वॉच आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरमेंट डिवाइस. वी यू एवर वंडर हाउ क्लॉक एंड वॉच मेजर टाइम. मतलब हमें पता है कि कॉमन जो हमारे क्या क्लॉक और वॉच जो हमारी है रिस्ट पर जो हम पहनते हुए हमें क्या बोलेंगे उसको हम वॉच बोलेंगे. जो हमारी जो वॉल पर है उसको हम क्लॉक बोलेंगे क्योंकि हमारे नॉर्मल हमारे क्या है डिवाइस है उससे हम इजिली मेजरमेंट कर सकते हैं. बट आपको पता है कि ये किस तरह से मेजर कर रहा है तो वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कंप्लीट बट ऑल them make use of some periodic motion. One of the motion well known as periodic motion in is that of simple pendulum. मतलब ये इसकी जो working है वो काफ़ी क्या complex है हम इसको समझना हमारे लिए difficult है. मतलब आप जैसे हायर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा बट उसके अंदर एक चीज़ यूज हुई सिंपल periodic motion. सिंपल पेंडुलम का यूज़ किया होता आपने कभी देखा होगा जो हमारी जो क्लॉक जो होती है ना उसके नीचे ऐसा आपको ये जो है वो क्या पेंडुलम उसको हम क्या बोलते हैं पेंडुलम के आपने देखा होगा इस तरह से जाएगा इस तरह से आएगा इस तरह से जाएगा इस तरह से क्या करेगा वो मूवमेंट करता रहेगा. ठीक है आप देख जो टेबल क्लॉक है वॉल क्लॉक है डिजिटल क्लॉक है ना सम कॉमन क्लॉक्स हमारी यहाँ पर दिए हुए थे ये किस तरह से वर्क करता है आपको यहाँ पर पेंडुलम के बारे में दिया हुआ है. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल और पीस ऑफ द स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड स्टैंड बाय द थ्रेड. द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड बॉब इज ऑफ द पेंडुलम. मतलब एक ऐसा जो हमारा ये जो नीचे ना स्टोन ले लो या मेटल की कोई चीज़ आप इस तरह से बॉब की टाइप ले लो और ये हमारे पास क्या होगा हमारे पास एक ये थ्रेड होगा या वायर भी ले सकते हैं. उसको हमें क्या करना है एक जगह पर फिक्स कर लेना है. फिक्स करने के बाद ये जो बॉब जो है उसको हमें कहाँ पर लगा देना नीचे की साइड लगा देना है. इस तरह से फर्स्ट हमारा प्राइमरी होगा और सेकंड हमारा ये होगा. इन फिगर ए शो द पेंडुलम एट द रेस्ट इन द मेन पोजिशन.
When the bob of the pendulum released after taking the slightly to one side, the begin to move to and fro. The to and fro motion of the simple pendulum is an example of periodic of the oscillatory motion. मतलब ये जो है हम क्या करेंगे, अब ये जो है ये हमारे नॉर्मल पोजिशन पर, जैसे फर्स्ट फिगर में जब ऐसे आपने बॉब लगा दिया और ये हमारी थ्रेड है, अब उसको हमें क्या करना है, ए साइड हम ये बॉब को क्या करेंगे, लेकर जाएंगे. अब उसको हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से हमारा हाथ से हमारे इसको छोड़ देना. ये जो बॉब है जीरो की ओ की तरफ जाएगी, ओ के बाद बी की तरफ जाएगी, बी से वापस ओ पर आएगी, वापस ए की तरफ आएगी. मतलब दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी पेंडुलम मोशन बोलेंगे, या ऑसिलेटरी मोशन भी हम उसको बोलेंगे. मतलब ये ऑसिलेशन कर रहा है, ये इधर जा रहा है वापस आ रहा है, इधर जा रहा है वापस आ रहा है, तो ये हमारे ऑसिलेशन कर रहा है. मतलब ऐसे एक ही पोजिशन, मतलब वो वहाँ पर ऐसे घूमता ही रहेगा. द पेंडुलम इज सेड टू हैव द कम्प्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन द बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजिशन ओ एंड मूव to A to B and back to O. The pendulum also complete the oscillation when the bob move from the one extreme position A to an other extreme position B, the complete back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period. मतलब ये जो हमारा oscillation motion कर रहा है, तो time period किसको बोलेंगे, जैसे for example आप यहाँ से हमारे initial position ये हमारे, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, एक ही तरफ लेकर जा रहे हो और उसको आपने क्या किया, यहाँ से ये जो बॉब को हमने क्या किया, एक ऐसे यहाँ से उसको हमने फोर्स दिया एक ही साइड, एक ही तरफ जाएगा, वापस ओ की तरफ आएगा, वापस बी की तरफ जाएगा और वापस ओ की तरफ आएगा. जब ओ से ए की तरफ जाएगा, ए से वापस ओ की तरफ आएगा, ए से ओ से वापस बी जाएगा और बी से वापस कहाँ पर आएगा, ओ. तो ये जो पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, मतलब एक जो पाथ कंप्लीट हुआ, ओ से स्टार्ट किया था वापस ओ पर आ रहा है, तो ये जो इन बिटवीन जो टाइम जो हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड बोलेंगे. आपको इस तरह से नहीं करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो. ये जैसे कि हमारी जो पेंडुलम का जो बॉब है, आप उसको पकड़ कर ए की तरफ ला दो, मतलब यहाँ पर ला दो और उसको यहाँ से छोड़ दो. छोड़ोगे तो क्या, ऑटोमेटिकली वो ओ की तरफ जाएगा, ओ से बी की तरफ जाएगा, वापस वो ओ पर आएगा और वापस ए पर. ए पर आने की वजह से जो भी टाइम लग रहा है, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको, टाइम पीरियड, है ना. तो ये जो वन कंप्लीट किया उसको वन ऑसिलेशन बोलेंगे. ये ए से मूवमेंट कर ओ पर जाएगा, बी पर जाएगा, बी से वापस ओ पर आएगा, ओ से ए पर आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन बोलेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन. और जो टाइम जो बीच में जो हो रहा है उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे. उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड. अकॉर्डिंग टू दिस आपको 13.2 एक्टिविटी दी हुई है, उसी चीज़ आपको करना है, ठीक है. आपको ये बॉब को लेकर जाना है राइट साइड या ए साइड या बी साइड, आप लेकर जाओ, उसको हमें खींच कर रखना है. क्या करना है, उसको हमें खींच कर, मतलब ऐसा आपको टाइटली इसको पकड़ कर आपको क्या करना है, वहाँ से इसको स्लोली छोड़ना है. तो क्या करेगा, बॉब है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वापस आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक स्टॉप वॉच भी रखना है. क्या करना है, एक स्टॉप वॉच हो तो स्टॉप वॉच, अदरवाइज आपके होम में जो क्लॉक हो वो. आपको ए पर जब लेकर जा रहे हो तो आप यहाँ से उसको छोड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल 10:00 है, ठीक है, 00. जैसे आपने यहाँ से इसको छोड़ा तो 0 पर गया, 0 से बी पर जा रहा है, बी से 0 पर आ रहा है, वापस ए पर आ रहा है, उसके बीच में टाइम फॉर एग्जांपल 2 सेकंड हो रहा है. कितना हो रहा है, 2 सेकंड. इसी तरह से ये कंटिन्यू एक्टिविटी आप कंप्लीट करते रहो. जैसे कि भाई वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, इसी तरह से सेकंड होगा, थर्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल 20 ऑसिलेशन कर रहे हो, कितने 20, और ये जो टाइम था आपको फॉर एग्जाम्पल 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना हो रहा है, 40 सेकंड. कितना हो रहा है, 40 सेकंड. तो आपको ये दोनों का मतलब आप उसको स्पीड फाइंड करनी है, तब उसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा भाई जो है, मतलब ये जितना टाइम वो टेकन कर रहा है, तो ये जो टाइम टेकन करने की वजह से आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, मतलब 2/4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा. 2 जो 2 सेकंड्स है वो 1 ऑसिलेशंस की क्या होगी, हमारी टाइम पीरियड हमारा होगा, ठीक है. इसी तरह से किसी ने स्टॉप वॉच में या कहीं पर आपने किया हुआ है तो आपको क्या करना है कि आप 20 ऑसिलेशन आप कर लो, और फॉर एग्जांपल 20 ऑसिलेशंस करने में आपको सिर्फ 20 सेकंड लग रहा है. कितना लग रहा है, 20 सेकंड. फॉर एग्जांपल 20 करने के लिए 20 सेकंड लग रहा है, 20 डिवाइड करोगे तो 1 सेकंड आपको क्या मिलेगा, 1 सेकंड आपको मिलेगा. मतलब 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम जा रहा है, 1 सेकंड. फॉर एग्जांपल मैंने बोला 40 सेकंड लग रहा है और 20 ऑसिलेशन है, तो 40 डिवाइड बाई 20 करो तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा. 2 सेकंड पर ऑसिलेशन आपको क्या मिलेगा, उसका टाइम पीरियड हमें मिलेगा. तो इसी तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हो कि आप डिफरेंट प्लेस पर आप उसको लेकर जाकर आप कर सकते हो. तो आप देखोगे जब उसकी जो थ्रेड की जो साइज़ चेंज करेंगे, ये थ्रेड की जो साइज़ जो आप चेंज करोगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. आपने बिग 1 मीटर रखा हुआ है,
2 meter है, 3 meter है, अब चेंजेस करोगे तो उसकी जो ऑसिलेशन में जो टाइमिंग होगा हमारा चेंज नहीं होगा. वन ऑसिलेशंस का मतलब जो टाइमिंग होगा वो हमारा क्या रहेगा, फिक्स टू फिक्स रहेगा. इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि भाई जो भी टाइम टेकन जो हो रहा है 100 सेंटीमीटर की हमारी जो स्ट्रिंग होगी और उसका हमें क्या करना है, ऑसिलेशन मेजरमेंट करना है. फॉर एग्जांपल्स भाई 20 ऑसिलेशंस करने में 42 सेकंड्स हुए, तो 42 डिवाइड बाई 20 करके 2.1 सेकंड हमारा क्या होगा, ऑसिलेशंस हमारा होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम नाउ डेज मोस्ट क्लॉक एंड वॉच हैव द इलेक्ट्रिक सर्किट विच वन एंड मोर सेल्स दिस क्लॉक आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक. मतलब हमने देखा है कि भाई हमारी जो क्लॉक होती है जो उसके अंदर है ना 2-3 सेल्स हमें लगाना पड़ता है, तो हमारी वो क्लॉक को हम क्या बोलेंगे, क्वार्ट्ज क्लॉक बोलेंगे. क्या बोलेंगे, क्वार्ट्ज बोलेंगे. ये जो सेल है जो हम जो है ना इलेक्ट्रिक जो सेल जो हम यूज़ करते हैं, द टाइम मेजरमेंट बाय द क्वार्ट्ज क्लॉक इज मोस्ट मोर एक्यूरेट देन द बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर. मतलब जो पहले वाली जो क्लॉक जो हमारी जो थी, जैसे हमारे एल्डर जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू एक्यूरेट जो टाइम जो बता रहा है, कौन सी क्लॉक बता रहा है, जो हमारी क्वार्ट्ज वाली जो हम यूज़ करते हैं वो. ठीक है, तो क्वार्ट्ज वाली जो हमारी जो है क्लॉक वो हमारे एक्यूरेट टाइम, मतलब उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है बट वो एक्यूरेट आपको दिखाएगा. ठीक है, तो किस तरह से भाई टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, वो उसका जो टाइम लग रहा है वो हमारा ऑसिलेशन टाइम पीरियड हमारा होगा. तो हमने पीरियोडिक मोशन देखा, पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, उसी पाथ का फिक्स रहेगा. जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस जाएगा उसी उतने टाइम के अंदर वापस वहाँ पर आने वाले, मतलब इस तरह से मोशन स्टार्ट ही रहेगा. दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. एंड वन मोशन कंप्लीट करा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करा और वापस वहाँ पर आ रहा है वापस घूम कर, तो वन ऑसिलेशन बोलेंगे. और इन बिटवीन जो टाइम हो रहा है, मतलब उसको जाने में और यहाँ पर आने में जो भी हमारा टाइमिंग हो रहा है, जैसे 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी है, तो हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड हमारा होगा. अब उसके जो है एनी क्वांटिटी जो हमारी जो फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है, उसका यूनिट में आपको बताना ज़रूरी है. यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, टाइम का यूनिट क्या और स्पीड का, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. सेकंड हमारा क्या है, टाइम का यूनिट है. किस तरह से उसको रिटर्न करते हैं, स्मॉल एस की तरह से उसको रिटर्न करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है. द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम आर मिनट, उससे स्मॉल यूनिट हमारा सेकंड है, उससे लार्जर हम मिनट हमारा क्या है, यूनिट है. एंड आवर्स, मिनट एंड आवर्स क्या उसके लार्ज हमारे यूनिट है. यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट आर रिलेटेड टू वन अदर. ठीक है, हमें पता है कि भाई वन मिनट में 60 सेकंड्स हमारा होगा, तो हमें पता है कि उसके बीच में का डिफरेंस, वन आवर्स में 60 मिनट्स होती है, तो इस तरह से हम उसको चेंजेस भी कर सकते हैं. वट विल बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का क्या होगा, हमने देखा था जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस से हम उसको मीटर, स्मॉल यूनिट हमारा क्या है, स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो मीटर में करेंगे, और स्मॉल टाइम का एक यूनिट क्या है हमारा, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो हमारा स्मॉल यूनिट होगा. बट कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे आपको अहमदाबाद जाना है या बॉम्बे जाना है, तो हमारा किलोमीटर में होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टाइम का जो यूनिट है वो भी हमें बिग लेना होगा, तो वो क्या आवर्स, तो किलोमीटर पर आवर्स हमारा क्या होगा, बिग यूनिट है, और स्मॉल यूनिट मीटर पर सेकंड हमारा है. तो आप इस तरह से यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ द ऑल यूनिट राइटन इन सिंगुलर, मतलब है ना, आप देखना होगा आपको यूनिट में कंपलसरी आपको रिटर्न करना है. 80 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 88 सेंटीमीटर, ये सब चीज़ आपको, आप रिटर्न नहीं करोगे 8 के बाद कुछ रिटर्न नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा. ठीक है, इसी तरह से हम अब आवर्स है ईयर्स की हम रिटर्न कर सकते हैं. डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम यूज डिपेंड ऑन द नीड, है ना, किस तरह से हम यूनिट करना है, कभी हमें टाइम के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यूनिट हमारा रिटर्न करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इट द कन्वीनियंट फॉर एक्सप्रेस योर एज इज ईयर रेदर देन द इन डे और आवर्स. सिमिलरली इफ वी नॉट वाइज टू एक्सप्रेस ईयर द टाइम टेकन बाई यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल. मतलब हम क्या है, हमारा जो हमारी जो एज है, आपको डे की जगह से या सेकंड की जगह से या आवर्स की जगह पर हम क्या करेंगे, ईयरली बताएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ईजीली होगा. इसी तरह से जो हमारा डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है स्कूल से हमारा होम का जो डिस्टेंस है, तो हमें बताना है तो उसको हमें किस में बताना होगा, मिनट में या आवर्स में होगा. बट हमारी जो एज की जो बात है, हमारे लिए आवर्स होगा. तो हमें हमारे सूटेबल के अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, यूनिट यूज़ करते हैं. हाउ स्मॉल और लार्ज इन अ टाइम इंटरवल इन वन सेकंड द टाइम टेकन द सेइंग द अलोंग द 2001 द नेबरली 1 सेकंड द वेरीफाई द कंटिन्यू allow from the 2001 to 2010 the
pulse of the normal healthy adult is raised beat about 22 times in minute. That is about 20 times in 10 seconds. That rate may be the slightly higher for children. मतलब हमें किस तरह से small है और time interval हमारा large है, किस तरह से आप करोगे, तो आपको 2001 आप speak करोगे तो for example मुझे 1 second लग रहा है, आप speak करते जाओ 2010 तक. फॉर एग्जाम्पल उसको स्पीक करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, कि भाई जैसे भाई 12 सेकंड लग रहा है, कितना 12 सेकंड लग रहा है, या आपको 10 सेकंड लग रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा. अब जब आप 2001 जब स्पीक करोगे तो आपको क्या होगा, वन हमारी बीट हमारी क्या होगी, जो हमारे हार्ट वाली बीट कंप्लीट होगी. इसी तरह से आप 1 मिनट तक आप स्पीक करते जाओगे तो आप फॉर एग्जाम्पल 2072 बीट आपकी 2072 नंबर तक आप बोलते जाओगे तो आपको 1 मिनट कंप्लीट होगा. कितना होगा, 1 मिनट, मतलब आपने 1 मिनट के अंदर 72 नंबर आपने स्पीक कर लिए. तब बीट को भी जब मेजरमेंट करोगे, जो हमारे हमारे जो हम जो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम्स कंप्लीट होता है ना, जो बीट हमारे जो हार्ट बीट जो होती है, अब नॉर्मली हेल्दी पर्सन के लिए 72 होना चाहिए. 1 मिनट के अंदर कितना होना चाहिए, 72. अब 72 से ज़्यादा है या 72 से कम है तो क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम होगा. तो चिल्ड्रन के अंदर उससे ये जो बीट है वो हायर होती है, 72 से ज़्यादा होती है, ठीक है, 80 या 85 की अराउंडिंग होती है. तो मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वी यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वुड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकम पॉपुलर. सनडील, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सच डिवाइस. डिफरेंट डिजाइन ऑफ दिस डिवाइस वी आर डेवलप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब पहले जो एंशियंट टाइम में जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट जो थे उसके अंदर जो हमारे क्लॉक के जो टाइम बताने के जो इंस्ट्रूमेंट है, सन डील, ठीक है, जो हमारा है जंतर मंतर जो हमारे दिल्ली के अंदर है, जैसे सन लाइट उस पर फॉल्स होगी और उस पर फॉल्स होने की वजह से क्या होगा, उसका जो शैडो जो क्रिएट होगा, शैडो क्रिएट होने की वजह से पीछे इतना बड़ा क्लॉक ड्रॉ किया हुआ है, क्लॉक पर जहाँ पर भी शैडो आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे थे, टाइम मेजरमेंट कर रहे थे. इसी तरह से वाटर क्लॉक है और सैंड क्लॉक, जैसे ना सैंड क्लॉक जैसे होती है कि जो हमारे होम के अंदर आप बच्चे खेलते हैं ना, ये 1 मिनट के अंदर ये सैंड अप एंड डाउन हमारी हो जाएगी. इसी तरह से वाटर क्लॉक भी अवेलेबल है, तो इस तरह से हम टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको उसकी हिस्ट्री आपको दिया हुआ है कि भाई जो हमारे साइंटिस्ट जो थे, गैलीलियो ने फर्स्ट ये साइंटिस्ट जो थे जब वो बैठे थे तो उन्होंने देखा कि जो एक क्लॉक जो थी, क्लॉक के नीचे जो पेंडुलम था वो क्या कर रहा था, इसी तरह से मूवमेंट कर रहा था. मतलब इस जा रहा था, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जा रहा था. उन्होंने देखा वन जो क्लॉक का जो पेंडुलम था, वन ऑसिलेशन जब कंप्लीट कर रहा था, वन बीट कंप्लीट हो रहा था, क्या हो रहा है, वन बीट कंप्लीट हो रहा था. तो उसने उस पर क्या किया, उस पर ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व करने के बाद उसने काफ़ी सारे पेंडुलम्स देखे. पेंडुलम्स देखने के बाद उसने देखा कि भाई ये कुछ ना कुछ टाइम समय बता रहा है, मतलब वन बीट कंप्लीट हो रहा था और वन सेकंड हो रहा था उसके लिए, वन ऑसिलेशन करने के लिए वन सेकंड हो रहा था. इसी तरह से उसने काफ़ी सारे पेंडुलम्स लिए, काफ़ी सारी लेंथ में डिफरेंट डिफरेंट किया और उसके बाद उसका जो जो कंसेप्ट था वो हमारी क्लॉक के अंदर और रिस्ट वॉच के अंदर यूज़ किया गया और हमारी क्लॉक डेवलपमेंट हुई. तो किसने फर्स्ट, गैलीलियो ने क्या किया था, इसका डिस्कवर किया था. ठीक है, तो आई होप आप लोग कंडेशन ना, इफ एनी डाउट, इफ एनी क्वेरी, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.